तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों बिना किसी देरी के देखते हैं और समझते हैं कि आपकी राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको दोस्तों इसके लिए कैसे तैयारी कर लेनी चाहिए। आप सभी लोग दोस्तों यहां से इसको देख सकते हो, ए टू जेड पूरा का पूरा आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आप सबसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल अंतिम समय तक देख कर जरूर जाएंगे ताकि दोस्तों आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन आप सबको आसानी से समझ में आ सके। आप लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख पा रहे हो, ये है पूरा का पूरा राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। तो देखिएगा आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका इसी प्रकार का होने वाला है जैसा कि हम यहाँ से इसको देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लीजिएगा ताकि आप सबको ये पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सोल्यूशन समझ में आ सके। देखिएगा दोस्तों आपका जो समय दिया जाएगा वो मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, ए टू जेड पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सबसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को बिल्कुल अंतिम समय तक देख कर जाएंगे ताकि आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन समझ में आ सके। तो चलिएगा दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं हिंदी का क्वेश्चन पेपर आपका कैसा आएगा और इसके लिए आपको कितना पढ़ना होगा। देखिएगा आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अंतिम समय तक जरूर देखेंगे तभी जाके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा। और इसी के साथ में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप सबको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं और समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और आप सबसे यहां से कितने क्वेश्चन किस आधार पर और किस किस प्रकार से आप सबसे पूछे जाएंगे। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और आप सबको दोस्तों इसके आंसर कैसे तैयार कर लेने हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, सही विकल्प का चयन कीजिए या आपसे 1×6 अंक में पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। देखिएगा दोस्तों लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या था, यहाँ से आपको ये बताना है। तो आप सभी लोग इसको देख लेंगे, पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का बिल्कुल इसी प्रकार का आपसे पूछा जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, इसमें आपसे ये इस प्रकार के पैसेज भी पूछे जाएंगे। टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 23 क्वेश्चन आप सबसे पूछे जाएंगे। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें, मगर दोस्तों मैं आपको पेपर हल करवाऊँगा। देखिएगा आप पहले तो यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लें और इसके बाद में हम इसके पेपर को हल करेंगे। तो इसलिए आप सभी लोग कम से कम दोस्तों यहाँ से अर्धवार्षिक पेपर के आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं इनके उत्तर जरूर देख लें। पहला क्वेश्चन दिया गया है लता मंगेशकर जी के पिता का नाम था, तो देखिएगा दोस्तों इनके जो पिता थे उनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर। उसके अलावा प्रेमचंद जी का मूल नाम था तो इसका नाम आ जाएगा दोस्तों धनपत राय। इसके अलावा अगला क्वेश्चन मीरा के आराध्य प्रभु, तो देखिएगा दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको लिख लेना कृष्ण। उसके अलावा आलोपी दीन कथा का पात्र है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको लिख लेना है नमक का दरोगा। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर किसको कहा है, ये जो क्वेश्चन दिया गया दोस्तों इसमें आपको लिख लेना कबीरदास को। इसके अलावा छठे नंबर का क्वेश्चन लिखा है इसमें आपको लिख लेना है कुई का निर्माण। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी ने इस क्वेश्चन पेपर को तो देख लिया होगा। चलिएगा दोस्तों अब जल्दी से इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं आप सबको बता देता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा का पूरा अंतिम समय तक जरूर देखेंगे ताकि दोस्तों आप सबको पूरा वीडियो और इस वीडियो में दिखाए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको समझ में आ सकें। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों अब आगे अब इस वीडियो का पूरा सॉल्यूशन देखते हैं ताकि आप सबको ये पूरा वीडियो और इसका सॉल्यूशन समझ में आ सके। तो देखिएगा दोस्तों आपकी जो पाठ्यपुस्तक है उसके दोस्तों मैं आप सभी को ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि आपके पेपर में बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग यहां से इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखकर जरूर जाएंगे।
देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा है कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप सब लोग पूरा देख लेंगे, यहाँ पर जो इसका उत्तर लिखा है आप सब लोग यहाँ से इसके उत्तर को पूरा देख लें और नोट कर लें। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर सामने आते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग पूरा देख लेंगे। ये बिल्कुल आप सबसे अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इस प्रश्न को देख लेंगे। आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर सामने आते हैं, तो यहाँ से आप सभी लोग इस प्रश्न को देख लेंगे। बिल्कुल ए टू जेड इसी प्रकार के प्रश्न आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलेगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न लिखा है, कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आप सभी लोग दोस्तों इस प्रश्न को देख लेंगे। देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण है। यहाँ से आप सभी लोग लिख लेंगे इसको। देखिएगा, उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता से आलोपी दीन प्रभावित हुए, वे आत्मग्लानी का अनुभव कर रहे थे, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। और उसी के अलावा, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आप सबके अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो इसलिए दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक जरूर देखेंगे अंतिम समय तक। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देख लिया, तो इससे यह होगा दोस्तों कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, लड़कियां वे घास फूस की तरह बढ़ती चलती है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। और उसके अलावा आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, देख सकते हो यहां पर जो क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग इनको देख लें। और उसी के अलावा, मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे पूरा यहाँ तक का। और उसके अलावा नीचे का क्वेश्चन, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लेंगे। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख लें पूरा यहाँ तक का। और उसके अलावा आगे का क्वेश्चन देख सकते हो, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, इस वाले प्रश्न को भी आपको पूरा याद कर लेना है, ये बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। और उसके अलावा, पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 सालों तक क्यों चला, ये पूरा आपको बताना है यहाँ तक का। और उसके अलावा आगे क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर जो लिखा है, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, इस वाले प्रश्न को भी आप लोग देख लेंगे और अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। दोस्तों ये बिल्कुल आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ तक का इसको पूरा याद कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार से हुआ, इस प्रश्न को भी आप लोग यहाँ तक का देख लें पूरा और इसको याद कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, इस वाले प्रश्न को भी आप लोग यहाँ तक का देख लें पूरा और इसको याद कर लें अच्छे से। और उसके अलावा आगे का क्वेश्चन देख सकते हो, जो कि यहाँ पर लिखा है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, आप सब लोग इस प्रश्न को देख लेंगे और इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे, जो कि यहाँ तक पूरा इसको दिया गया है, आप लोग देख लें इसको। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन देख सकते हो, नादिर शाह से भी बढ़कर आपकी जिद है, कर्जन के संदर्भ में ये पक्ष क्यों दिया गया, आप सब लोग इसको देख लें और याद कर लेंगे। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं मानता था, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग देखेंगे और यहाँ से इसको याद कर लेंगे पूरा का पूरा, ये आपसे दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, धनराम मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों, इस वाले क्वेश्चन को भी आप सभी लोग देख लें यहाँ से और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ए टू जेड पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे अर्धवार्षिक परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, जो कि यहाँ पर लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें पूरा और इसको याद कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबांग का चाबुक कहा है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लें। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में बिल्कुल ही पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों का रिविजन अच्छे से जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे पूरा। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लें पूरा। और इसके अलावा, मीरा जगत को देख कर क्यों रोती है, और उसके अलावा लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है, यहाँ तक का पूरा आप लोग देख लें। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में क्या परस्पर संबंध होता है, इसको भी आप लोग देख लें पूरा। और इसी के अलावा अगला क्वेश्चन, माई की आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है, और उसी के नीचे प्रश्न पूछा जाएगा,
ये वाला पूरी तरह से आप लोग याद कर लेंगे, या आपसे दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरी तरह से पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इनको देख लें अच्छे से और इन प्रश्नों को याद कर लेंगे। देखिएगा लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं का उजागर किया है, ये पूरा देख लें आप लोग यहाँ से और यहाँ तक का इसको पूरा याद कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन ये दिया गया है और उसी के नीचे आपको एक अगला क्वेश्चन ये देखने को मिल जाएगा। और आगे देख सकते हो ये सभी के सभी प्रश्न आप सबसे पूछे जाएंगे। चेजारो के साथ गांव समाज के व्यवहार के पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है, ये आपको बताना है। तो आप सब लोग यहाँ तक का इसको देख लें और उसके अलावा अगला क्वेश्चन ये दिया गया है। तो देखिएगा दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से इन प्रश्नों का रिवीजन अच्छे से कर लें, ये आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।